वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय एसपी पिलावने हमें पूर्व क्लास रे दशम श्रेणी ज्योमेट्री वन बी रो दुई नंबर पर्यंत जाइथिले तापर आज हमें तीन नंबर को दूर करिबा जो पिलावने नुवा करी मो चैनल सहित जोड़ी होइछन्ती समान आगे सब्सक्राइब करंतु या परे ता पाखरते बेल आइकन को ओके करंतु जा द्वारा समस्त वीडियो देखि परिबे ताल पिलावने चलो हम आज आरंभ करिबा आज रो क्लास वन बी तीन नंबर वन बी तीन नंबर आमको देखिए त्रिभुज एबीसी रो एबी बीसी सीए बाहुत्रय रो दैर्घ्य को यथाक्रमे सी ए बी रूपे सूचित कराव आम गोटे त्रिभुज एबीसी करदे कौन से आमको देला ए बी सी त्रिभुज एबीसी से एबी बाहु रो दैर्घ्य हो सी एससीबी रो समद्विखंडक एबी को एम बिंदु रे छेद करे एससीबी रो समद्विखंडक एकण सहित एकण समान एटा एम बिंदु छेद करे तापर मत छेद दुटा प्रमाण देला गोटे देला एम इज इक्वल टू बीसी बाय एबी ए प्लस बी आउट हम टू आई दे छी BM is equal to CA by A plus B. तो पिला माने आरा प्रमाण आमे केमती करिबा ना आमे समस्त देखिबा जे जेहेतु समद्विखंडक आसीला जोडी सम कोणसी कोणर समद्विखंडक वाड आसीबो आमे संगे संग कोन करे ना उपपद्य 3 की प्रयोग करिबा त उपपद्य 3 की प्रयोग करी सेही हिसाब आमे लिखिबो म केमती लिखु छी त मन देखो प्रमाण प्रमाण आसीला त्रिभुज एबीसी रे ए सी बी रो समद्विखंडक सी एम हेले तले इंप्लाइज ए एम बाय बी एम इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी एटा लिखि देले तापर पिलाम देखिबा आ जों कोटा प्रमाण करिया को देइछ जदि ए एम देइथिबो तार इटा शॉर्ट ट्रिक आम एम टाक तले रखा दरकार आर हर एम रखा दरकार जब बीएम दे हर बीएम रहा दरकार तेनाली बर्तमान जेहे बीएम रही हर यूट आम कंटिन्यू कर प्रमाण करवा प्रमाणा हो देख के सेकेंड नगे करम्प्लाइज बर्तमान क्या उभय पार्श्व जोग प्रक्रिया पकड़ा एम बाय बीएम इज इक्वल टू एम बाय बीएम प्लस वन इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी प्लस वन एटा जोग प्रक्रिया एटा मोर उपपाद्य तीन अनुसार लिखी देखिए आर बर्तमान मिशाण कले के लस आगे बी एम उपर ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू ये ए सी प्लस बी सी बाय बी सी जानपारे बर्तमान ए एम आउ बी एम ए एम आउ बी एम मिसिकला एबी तेल एबी बाय बीएम इज इक्वल टू एससी प्लस बीसी बाय बीसी बर्तमान मूल्य गुड़ा पकईद एबी रूल्य के देख ये सी तेल सी बाय बीएम इज इक्वल टू एससी मूल्य के बी प्लस बीसी मूल्य के बाय बीसी मूल्य ए जाना बर्तमान बजरण करदे बीएम इज बीएम इंटु बजरण हो प्लस बी इज इक्वल टू एटा कौन ले सी ए तले बी एम इज इक्वल टू सी ए बाय ए प्लस बी कहीं पे प्रथम बी एम रण हूँ कारण जेहे हर बी एम अच्छी जदि हर ए एम रखि था अर्थात ये लिखला लिखि था पुनश्च बी एम बाय एम जदि एपटा को बी एम बाय एम कर एपटा बी सी बाय एसी करदे कि फरक पड़े इज इक्वल टू बी सी बाय एसी से जोग प्रक्रिया पकेबा बी एम बाय एम प्लस वन इज इक्वल टू बी सी बाय एसी प्लस वन से गोटे प्रणाली सब जोग प्रक्रिया तला एम उपर बी एम प्लस एम इज इक्वल टू उपर बी सी प्लस एसी बाय एसी एबे बी एम एम मिसले सेम देखो कोडा से एबी होची तले एबी बाय एम इज इक्वल टू बी सी प्लस एसी बाय एसी एबे मूल्य पके दबा एबी रूल्य सी बाय एम
इजिकल टू बी सी प्लस ए सी बी सी है ए प्लस बी बाय बी बज्रगण करदे एम इंटु ए प्लस बी इजिकल टू बी सी ए एम इजिकल टू बी सी बाय प्लस जाना तेनालीर भाव में आम ए प्रमाण टी पार बहुत सहज खाली टेक्निक गोटे जिस मन रखे प्रमाण जो दूसरी तर रहा दरकार स्टार्टिंग थर मोर गोटे प्रमाण परीक्षा पड़ी ये केवल पड़ी तेनाली स्टार्टिंग कौन कर लिखला बेले बीएम बाय एम न लिखी जो एम बाय बीएम न लिखी बीएम बाय एम लिखी देवी जो परीक्षा पकड़ आसा प्रमाण ठीक अच्छे आम आगे मोर आम चित्र दे चित्र से कही चित्र रखी यहाँ हूँ कोण समाधि खंडक आसा यहाँ समाधि खंडक यही जोड़े समाधि खंडक आउ गए कौन समय देख बीपी मध्यमा यहाँ मध्यमा मध्यमा कहले कौन तुम जब मो चेल के रेगुलाली सब देखु मध्यमा कौन डेस्क्राइब कर मध्यमा कहले भूमि यू समधिकण अर्थात यही सामान ठीक अच्छे आम प्रमाण करवा एक्स वाई समांतर बीसी एक्स वाई समांतर बीसी केत जिते बीएक्स बै सी एक्स बीवै बे वाई हम कि वाई सी एक्स बीएक्स हम यहाँ सामान कर उपाय दुई अनुसार हो बर्तमान प्रमाण को जी प्रमाण में प्रथम जो पॉइंट लिखी लक्ष्य करवा लिखी बीपी है मध्यमा देखा त्रिभुज एबीसी रे बीपी मध्यमा जब बीपी मध्यमा है इम्प्लाइज एपी इजिकल टू सीपी रहा दीटा समाधि खंडक अच्छी ये बीपीसी कोण समाधि खंडक पीएक्स पीबीसी कोण टा को नहीं पारि लिखी त्रिभुज बीपीसी रे बीपीसी रो समाधि खंडक पीएक्स इम्प्लाइज बीएक्स बाय सीएक्स इजिकल टू सीपी बाय बीपी उपपाद्य तीन अनुसार जानपाल बिले ठीक से पट त्रिभुज एपी त्रिभुज त्रिभुज एपी बी रे एपी बी रो समाधि खंडक पी वाई ताले से उपवाद्य तीन अनुसार कौन है लक्ष्य कर पी वाई हेले देखो ऊपर आम जो बी एक्स बाय सी एक्स एपट नहीं पट ना तुमको सुविधा ताले बी वाई बाय ए वाई इजिकल टू कौन पाइले देख आगे एपट नहीं आम ये कौन एपट नहीं तो लिखले पे उल्टा लिखी ठीक कर लिखीद ये लिखाई बीपी बाय लिखा बीपी बाय सीपी कारण लक्ष्य कर बी एक्स टाइम आगे नहीं मानते एपट बाट आगे ना ये से लिखा बीपी बाय एपी उपवाद्य तीन ये आम टे चेज कर क्वेश्चन दुई दबानी तल को इम्प्लाइज दे लिखा बी वाई बाय ए वाई इजिकल टू बीपी बाय एपी आ न लिखे जानते एपिटा सीपी सहित सामान बाय सीपी इक्वेशन टू वाई बर्तमान समीकरण द्वय को लक्ष्य कर इटे बीपी बाय सीपी एटी देपी बाय सीपी ये दिटा सामान है ना ना समीकरण द्वय रु जनागला समीकरण द्वय रु जनागला कौन आम जान लेक्स बाय सी एक्स इजिकल टू बी वाई बाय सी वाई देख बी एक्स बाय सी एक्स इज बी वाई बाय सी वाई तेपट जो लक्ष्य करेंगे उपवाद्य दुई अनुसार उपाधि मान पक एक्स बाय बी एक्स इज ए वाई बाय सी वाई जो होता है बाहर समय एक्स वाई समांतर बी सी होता है ये कंडीशन में जो बी एक्स बाय सी एक्स इज बी वाई बाय ए वाई है से कंडीशन एक्स वाई समांतर ए सी होगा अर्थात एक्स वाई समांतर ए सी उपाद्य दुई अनुसार प्रमाणित जानपारे पे देख चार नंबर टू आई से चित्र ये चित्र कह एपी और बीपीसी समाधि खंडक एपी और बीसी को एक्स वाई से दत्त आम को देला एपी समाधि खंडक पी वाई और बीपीसी समाधि खंडक पीएक्स दत्त आउ कौन देला आमको एवं एक्स वाई समांतर बीसी एक्स वाई एवं समांतर बीसी प्रामाण्य मु कौन दला कौन प्रमाण करिया बेटी से कहि छी हमकू प्रमाण करिया कहला पी एसी रो मध्यबिंदु पी एसी रो मध्यबिंदु ताले
ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ସେଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଦତ ଭିତରେ ଥିଲା, ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ଟା। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସେଇଆକୁ ଫଲୋ କରି ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନା, ଉପାଦେୟ ତିନିକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ବି ରେ ଏପି ବି ର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପି ୱାଇ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା, ଯଦି ଆମେ ଏପଟୁ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଏପଟ ଯେଉଁପଟେ ଲେଖିବା ସେଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ସେପଟକୁ ଲେଖିବି ଏ ୱାଇ ବାଇ ବି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଆଗେ ଏପଟ ନେଲି ତ ଏପି ବାଇ ବି ପି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍। ଆଗେ ଉପାଦ୍ୟ ତିନି ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ତଳ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆସିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ବିପିସିରେ ବିପିସିର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପି ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଲେ ଏଟା ଯୋଉପଟୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ୱାଇ ବାଇ ବି ୱାଇ, ସି ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ସି ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଏପଟରୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ଏଟା କଣ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ ସିପି ବାଇ ବିପି, ସେଇ ଉପବାଦ୍ୟ ତିନି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ୱାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଦତ୍ତରୁ ପିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦତ୍ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ବେଶୀ, ପୁନଶ୍ଚ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ବିସି। ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ବିସି ହେଲା ତାହେଲେ ଉପବାଦ୍ୟ ଏକ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହବ ନା ବି ଏକ୍ସ ବାଇ ସି ଏକ୍ସ ବି ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରମାଣର ଓଲଟା ପଟରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେପଟୁ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା, ଯେ କ'ଣ ନା ଏ ୱାଇ ବାଇ ବି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ୱାଇ ବାଇ ବି ୱାଇ ଏପି ବାଇ ବିପି ସହିତ ସମାନ, ସି ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ସିପି ବାଇ ବି ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ୱାଇ ବାଇ ବି ୱାଇଟା ସି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ସମୀକରଣ ତ୍ରୟରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଏପି ବାଇ ବିପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିପି ବାଇ ବିପି। ତାହେଲେ ଉଭୟର ହରରେ ବିପି ଅଛି, ତାହେଲେ ବିପି ଯଦି ଆମେ ଉଠେଇଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିପି। ଯଦି ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିପି ହେଲା ତାହେଲେ ପିଟା କ'ଣ ହବ ତାର ଏସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପି ଏସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ସେମ୍ ଚିତ୍ରରେ ପିଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ଏବିସିରେ ବିପି ହେଲା ମଧ୍ୟମା, ଦତ୍ତର ଦେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ବିପି ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା। ତାପରେ କହିଲା ଏପି ବି ର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପି ୱାଇ, ଏପି ବି ର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପି ୱାଇ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ। ଆଉ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଦେଲା ଆମକୁ, ଯେ ଏସି ସହ ସମାନ୍ତର କରି ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ ୱାଇ ଏକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ଏସି। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ମୁଁ କହିଲା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା କହିଛି, ଯେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ପି ଏକ୍ସ ବିପିସି ର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ, ପି ଏକ୍ସ ବିପିସି ର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ସେଇ ନିୟମକୁ ଯିବା ପ୍ରମାଣରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଚାଲ, ଯୋଉଟା ନେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏ ପେପରରୁ ତମେ ନେଇପାରିବ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ନେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ବିପି ମଧ୍ୟମା। ଯଦି ମଧ୍ୟମାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ କଲାବେଳେ କହିଥିଲି ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିପି, ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିପି। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ ଦେଲା, ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଯୋଉ କୋଣର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପି ରେ ଏପି ବି ର ସମ୍ମତି ଖଣ୍ଡକ ପି ୱାଇ। ତାହେଲେ ଉପାଦେୟ ତିନି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆମର ହେଲା ନା ବି ୱାଇ ବାଇ ଏ ୱାଇ ଏପଟୁ ନେଇଛି, ଯୋଉପଟୁ ନେଲେ ବି ଯୋଉ ହବ ବିପି ବାଇ ଏପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିପି ବାଇ ଏପି, ଉପପାଦ୍ୟ ତିନି ଅନୁସାରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଯାହା ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ତାକୁ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କରୁଛି, ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ଏସି, ପୁନଶ୍ଚ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ଏସି। ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ୍ତର ଏସି ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଲି ନା ବି ୱାଇ ବାଇ ଏ ୱାଇ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ସ ବାଇ ସି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ବି ୱାଇ ବାଇ ଏ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଏକ୍ସ ବାଇ ସି ଏକ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ, ଯଦି ବି ୱାଇ ବାଇ ଏ ୱାଇ ସହିତ ବିପି ବାଇ ଏପି ସମାନ ହେଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ୱାଇ ଏଠି ଉପପାଦ୍ୟ ଦୁଇ ଏକ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇପାରିବା, ବି ୱାଇ ବାଇ ଏ ୱାଇ ସହିତ ବିପି ବାଇ ଏପି ସମାନ ହେଲା, ବି ୱାଇ ବାଇ ଏ ୱାଇ ସହିତ ବି ଏକ୍ସ ବାଇ ସି ଏକ୍ସ ସମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମୀକରଣ ଦେଉ କ'ଣ ପାଇଲେ
समीकरण द्वयरु जणा गला जे बीपी बाय एपी इज इक्वल टू बीएक्स बाय सीएक्स। अच्छा मु वर्तमान बीपी बाय एपी टा कहा सहित समान सीपी सहित मु एपी जारे सीपी लिखि दे परबी बीपी बाय सीपी इज इक्वल टू बीएक्स बाय सीएक्स एटा लिखि परबी ब्रैकेट रे जेहेतु एपी इज इक्वल टू सीपी ताले वर्तमान एटा गोटे लक्ष्य पर कोड सेट अछि बीपी बाय सीपी बीपी बाय सीपी इज इक्वल टू बीएक्स बाय सीएक्स ताले देखिलो हला नै समधि खंडक ताले अतएव बीपी सी पीएक्स अतएव पीएक्स बीपी सी रो समधि खंडक ठीक अछि। 6 नंबर को जेबले 6 नंबर दे त्रिभुज एबीसी रे बीएसी रो समधि खंडक बीसी को पी बिंदु छेद कर मु तो स्टार्टिंग को कहि पढिला बले चित्र करबो केयरफुली त्रिभुज एबीसी रे एबीसी रे बीएसी रो समधि खंडक एटा ए एटा बी एटा सी आरो समधि खंडक आसीला आकु पी बिंदु रे छेद कला तापर से कहला एबीसी रो समधि खंडक एपी को क्यू बिंदु रे एबीसी रो समधि खंडक एपी को क्यू बिंदु रे प्रमाण कर प्रामाण्य कौन दे प्रामाण्य क्यू बाय क्यू पी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बाय बी सी आम ये पिले बर्तमान प्रमाण कर ठीक अच्छे बर्तमान लक्ष्य कर जहाँ देखे से हिसाब से कर। अच्छा मोर बर्तमान प्रमाण प्रथम यही त्रिभुज को आसवा त्रिभुज ए प्रमाण त्रिभुज ए बी पी रे ए बी पी रो समधि खंडक बी क्यू दत्त देखे कौन पाइली मु ना ए क्यू बाय पी क्यू बा क्यू पी ए क्यू बाय क्यू पी इज इक्वल टू ए क्यू मान ऊपर आसे एटा आसी ए बी बाय बीपी इक्वेशन 1 उपपाद्य 3 अनुसार प्रथम रे गला सेकंड रे मु जान जे आ गोटे कोन ना बीएसी रो समधि खंड बाय एपी पुनश्च त्रिभुज एबीसी रे बीएसी रो समधि खंडक एपी यदि एपी हला तले मु कोन जान ली बर्तमान ना बीपी बाय सीपी सीपी बाय बीपी लेख जो सुविधा हम सीपी बाय बीपी सीपी बाय बीपी इज इक्वल टू एसी बाय एपी हाँ ये जो बीपी टा मुझे तले रखिली कहीं मो प्रमाण गोटे बीपी अच्छे से लक्ष्य को रख बर्तमान उभय पार्श्व जोग प्रक्रिया पकेबो इम्प्लाइज सीपी बाय बीपी प्लस 1 इज इक्वल टू एसी बाय एबी प्लस 1 जोग प्रक्रिया ताले मिसेले एटी कोन होला ना बीपी ऊपर एला सीपी प्लस बीपी इज इक्वल टू एला एसी प्लस एबी बाय एबी ताले बीपी और सीपी मिसेले के हम देखिलो बीसी होची ताले इम्प्लाइज बीसी बाय बीपी इज इक्वल टू एसी प्लस एबी बाय एबी पिले लक्ष्य पर एटी मोर दरकार हो ए क्यू बाय बीपी पी क्यू समान बे ए बी बाय बीपी मुझे ए बी टा बैठी कहीं विस्तर से एकांत प्रक्रिया पकई पारे ए बी बाय बीपी इज इक्वल टू एसी प्लस ए बी बाय ए बी इक्वेशन 2 आई इक्वेशन आई दे ए क्यू बाय क्यू पी समान ए बी बाय बीपी माने ए बी बाय बीपी सहित ए क्यू बाय क्यू पी समान होगा एटी ए बी बाय बीपी सहित एसी प्लस ए बी बाय बी समान होगा दुटा इक्वेशन कौन पाइल जे आज दुटा समान लिखी समीकरण द्वय रु जना गला ए क्यू बाय क्यू पी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बाय ए बी मोर बाय बी सी एबी लेडी बाय बी सी बुझला तेणु आमर बर्तमान 6 नंबर सरीगला आम नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे तम माने 7 नंबर कतुरु लास्ट पर्यंत पाइप।